रामलला के दर्शन से हो रहा था विरोध। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने पत्र में किया पार्टी छोड़ने का खुलासा। लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लगे। अब चल रहे चुनाव के बीच भी कांग्रेस को एक और झटका लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं, साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। मोदी योगी के बच्चे तो है नहीं, हम आपके बच्चों के लिए खप रहे, इटावा में बोले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भड़थना के ढकपुरा में जनसभा को संबोधित किया। तय समय से एक घंटे देरी से पहुंचे मोदी ने मंच पर पहुंचते ही भारत माता और शीतला माता की जय के साथ शुरुआत की। देरी से आने के लिए क्षमा मांगी। चिलचिलाती धूप में उनका इंतजार कर रहे लोगों ने जोश दिखाते हुए जय श्री राम का उद्घोष किया। इंडियन नेवी ने किया करिश्मा। व्यापारिक जहाजों को समुद्री डाकुओं के हमले से बचाने पर नौसेना के मुरीद हुए राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना द्वारा हाल में कई सफल अभियानों की सफलता को लेकर बधाई दी। राजनाथ सिंह ने नौसेना को लेकर कहा है कि भारतीय नौसेना ने एक करिश्मा किया है। रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना की विदेशी जल क्षेत्र में बल के कई अभियानों के लिए तहे दिल से प्रशंसा की। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं, राजनाथ सिंह का दावा। यहां के लोग स्वयं चाहेंगे भारत में शामिल होना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर कहा कि भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसे बलपूर्वक अपने कब्जे में करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां के लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं इसमें शामिल होना चाहेंगे। चुनाव आयोग की अनूठी पहल, 23 देशों के 75 प्रतिनिधि लोकसभा के महापर्व को देखने भारत पहुंचे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े हुए 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भारत पहुंचे हुए हैं। यह जानकारी रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, उन्होंने बात करते हुए कहा कि यह बहुत ही खुशी और संतुष्टि की बात है कि हमारे निमंत्रण पर 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हमारे चुनावों को देखने के लिए यहाँ आए हैं। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, कहा नहीं मिला न्याय लड़ती रहूंगी। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया को ऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रही हूं, साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। भाजपा MLC ने पवन सिंह को बताया राजद का एजेंट, कहा भोजपुरी को बदनाम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के MLC जीवन कुमार ने भोजपुरी सुपरस्टार और काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी को बदनाम करने वाले पवन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के एजेंट हैं। भाजपा MLC यहीं नहीं रुकी, उन्होंने पवन सिंह को अश्लील गानों का नायक करार दिया। लालू यादव ने इन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा, कहा चुनाव जिंदा रहने की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत जारी है। शनिवार को PM नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला था। आज यानी रविवार को लालू प्रसाद ने उन पर पलटवार किया है। राजनाथ सिंह का पीओके को भारत में मिलाने का दावा, फारूक अब्दुल्ला बोले पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार यानी 5 मई को कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके पर अपने दावे को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को इस पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और उनके पास भी परमाणु बम है। कांग्रेस ने PM मोदी और अमित शाह से इन 10 सवालों के मांगे जवाब। भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। कर्नाटक में NDA उम्मीदवार और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो मामले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 10 सवालों के जवाब की मांग की है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और जनता दल यानी सेक्युलर के नेता सामूहिक दुष्कर्मी को बचा रहे हैं।